जय हिंद, नमस्ते रेस्पेक्टेड। टुडे आज हम लोग देखेंगे कि आपका बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता है, क्या रीजन है। आप अपने बच्चे को स्पोकन इंग्लिश में भेजते हैं कराने के लिए। आज से आप अपने बच्चे को स्पोकन इंग्लिश कराना बंद कीजिए और ग्रामर को फोकस कीजिए, बिकॉज ग्रामर इज द स्पाइनल कोड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट ग्रामर वी कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज द मेन रीजन। सो आई सजेस्ट यू, आप अपने बच्चों को ग्रामर पर फोकस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब एवरीबॉडी नोज, नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल नो, बिकॉज ग्रामर स्टार्ट होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीच वी डोंट नो अबाउट, एंड वी कम टू द पॉइंट। या आई कैन से, वी कैन से व्हाट इज, व्हाट्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. How many kinds of parts of speech? There are 8 kinds of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Thank you. अब देखेंगे हम लोग कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। एक पहले नाउन से शुरू करते हैं। देखिए, तो जो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अब इंग्लिश की बात आती है, तो पहले हम लोग सोचेंगे कि इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश यू कैन सी, बिकॉज लिखना भी कंपलसरी है, केवल बोलने से नहीं होता है। देखिए, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वी कैन से। अभी हम लोग ग्रामर के बारे में डिस्कस करें, तो ग्रामर के मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं कोई भी वर्ड को डिफाइन नहीं करूंगा, वर्बली डिफाइन करूंगा। देखिए, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज सच अ ब्रांच ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस दैट टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक करेक्टली। दिस इज द मेन। एंड नेक्स्ट वन, ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए पहले, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये तो हो गया ट्रेडिशनली ग्रामर ने इस। अब देखिए, ये ट्रेडिशनली ग्रामर को नाउन कितने प्रकार होते हैं बाबू, नाउन होते हैं 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। अब क्या किया गया इसको मॉडर्न में, क्या किया गया है, जो हमारे मॉडर्न जो टीचर है आरके सिन्हा, जो साइंस कॉलेज के डिपार्ट के प्रोफेसर रह चुके हैं, उनका बुक है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, उन्होंने किया कि इसको मॉडर्न में क्लासिफाई कर दिया गया। इस दुगो को मिलाकर कि द काउंटेबल नाउन, और इन दुगो को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि कॉमन मतलब क्या, टीचर, नर्स, सब आ सकते हैं, लीडर कॉमन नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जिससे ग्रुप ऑफ ग्रुप का, जैसे आर्मी, मूव, क्राउड, ये सब ग्रुप, ये हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, और इसको अनकाउंटेबल नाउन, और ये प्रॉपर नाउन का ही प्रॉपर नाउन। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न में क्लासिफिकेशन में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और ट्रेडिशनली जो पुराने जमाने से चलते आ रहे, हमारे पापा जी ने पढ़ा है, हमारे बाबा जी ने पढ़ा है वही, मगर हमारे चाचा ने क्या किया, कुछ परिवर्तन किया है आर के सिन्हा जी ने। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, और वो एक और भी पुराने, जो पुराने टीचर है, बहुत पुराने टीचर हैं, जैसे भोला पंडित जी हैं, उन्होंने क्या किया है नाउन को, उन्होंने क्या किया है नाउन को दो ही वर्ग में डिफाइन किया है। आप कहीं बुक आप शायद आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि मॉडर्न जमाना चलता आ रहा है, कॉन्क्रीट नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन, ये कोई टीचर भी आप लोग नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ाया होगा शायद मे भी, तो ये देख सकते हैं आप इसको, आप अपने स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और मैं आगे देखते हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को एकदम इंग्लिश फ्लुएंटली आना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को ऐसा मतलब सब्जेक्ट पढ़ाइए, मतलब जो उसका बेसिक जो क्या है लैंग्वेज पढ़ाइए। जैसे मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना है तो हिंदी ग्रामर अपने बच्चों को पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत ग्रामर, और जो जब लोग ग्रामर पढ़ते जाएंगे आपका बच्चा, तो खुद क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना जाएंगे, फीलिंग के, इमोशन के एक्सप्रेस करेंगे। आप चाहे वर्ड में नहीं याद कर लीजिए, आपको कोई मान नहीं, जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हाउ एंड वाई, आप अपने बच्चों को बताइए कि हाउ एंड वाई, जैसे कोई वर्ड आया व्हाट इज ग्रामर, तो व्हाट इज ग्रामर, हाउ एंड व्हाई, ये बारे में सब बताइए। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। अब प्रोनाउन के बारे में आप देखेंगे, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इंस्टेड फॉर अ नाउन। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रोनाउन, आप अपने पूछे कि प्रोनाउन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोनाउन, व्हाई वी स्टडी प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन कितने प्रकार के बाबू, प्रोनाउन 10 प्रकार के,
तीन प्रकार का होता है, प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। अगर इसको हमने ट्रिक के माध्यम से आप पूरा यूट्यूब पर खोजिए, पूरे टीचर से पूछिएगा आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो केवल ये हमारे ही पास अवेलेबल है। देखिए याद करने का क्या ट्रिक है बाबू, प्रोनाउन का ये एक सूत्र है PRIED, क्योंकि ये V2 फॉर्म है, V3 फॉर्म है, पराई का फॉर्म है, क्योंकि पराई का मतलब होता है ताक झाक करना, निहारना या जिज्ञासा, जैसे किसी के पर्सनल जीवन में, प्राइवेट जीवन में उसको करना, मतलब उसको इंटरफेयर करना। तो देखिए पराइड का मतलब देयर आर 10 काइंड ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार का होता है, उसको हमने सूत्र पे कर दिया है, मतलब उसको सूत्रबद्ध कर दिया, मतलब सूत्र से हम लोग मैथमेटिकली उसको पढ़ रहा हूँ, तो ये बच्चा को याद रखने में आसान रहा। PRIED प्राइड में निहारना, ताक झाक करना, उसको वर्ड भी याद पड़ जाएगा और ये 10 प्रकार का प्रोनाउन होते हैं, तो वो बच्चा आपका भोर पर उसको याद नहीं, कहीं खो जाएगा कहा पढ़नी याद नहीं करने प्रकार के। तो क्या ये ट्रिक है, देखो दू गो पी है, तो दू गो पी का मतलब क्या था बाबू, पर्सनल प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन, तो P2 का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन, देख रहे हैं यहाँ पे P2, और कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, he, she, it, they, we को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और कौन कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, माइन, हर्स, इट्स, हिज, आवर्स, आप इसको देख सकते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट करिए और जो पढ़ने वाले बच्चे उसके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए R3 का मतलब क्या है बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसको कौन कौन से प्रकार है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए I2 का मतलब क्या है बाबू, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बताइए ऐसा कभी आप लोगों ने पढ़ा था सूत्रबद्ध से, मतलब मैथमेटिकली पढ़ा था नहीं नो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमारा मतलब लेवल भी है, कितना पढ़ाने का और कितना हमारा IQ भी लेवल होगा, क्योंकि आप बड़े बड़े अच्छे से टीचर से पढ़िए। मैं गोपालगंज के टीचरों का दो चार नाम बता दूं, ब्रांडेड देखिए मनोज सर है वो सबसे मतलब गोपालगंज का नंबर 1 ट्रेड टीचर है, और हमारे लोकल में कुचायकोट में मनीष सिंह है वो भी ब्रांडेड टीचर है, और टीचर सब टीचर्स हैं, मेरे जनार्दन सर है वो तो उनका मतलब उनका कुछ कहना ही नहीं, गुरुओं के गुरु हैं। तो आप इसको देख सकते हैं G2 का मतलब क्या है बाबू, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये जो इसका प्रोनाउन है। अब हम लोग देखेंगे नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन खत्म, एडजेक्टिव, और हमें अच्छे से पूरा मतलब मैं दिमाग बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम भर देता हूँ कि बच्चा उसको याद रखेगा। और अब हम देखेंगे कि अगला वीडियो, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, आप मतलब एकदम छोटे बच्चों को दिमाग में कैसे फिट करके, मतलब आप लोग मेरे पूरे पुराना भी वीडियो देख सकते हैं कैसे मैं छोटे छोटे बच्चों को मतलब ग्रामर की भाषा में उसको सिखा कर, मतलब एकदम हिंदी में, एकदम भोजपुरी में, और उसको अंग्रेजी बोलवा देता हूँ। आप लोगों के पास प्रूफ हमारा जाकर फिर लिस्ट देख सकते हैं, यही मेन रीजन है कि मैं कैसे बच्चों को एकदम मैथमेटिकली उसको दिमाग में सेट कर देता हूँ। देखिए और उस एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। तो व्हाट इज एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, डिफिनेशन से कुछ नहीं होता है, मैं तो दिमाग में बच्चों को फिट कर देता हूँ, तो वो एकदम पिक आउट कर सकता है कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, छोटा छोटा बच्चा जो इंग्लिश बोल लेता है। तो मैं बच्चों को क्या करता हूँ, बोलने के लिए फोकस नहीं करता, मैं उसको ग्रामर मतलब दिमाग में फिट कर देता हूँ, आप ग्रामर की भाषा में बोलिए। तो देखिए प्रोनाउन के बाबू कौन सा ट्रिक है बाबू, प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है, और इसका ट्रिक है PDF, तो PDF नहीं याद रहता, विकिपीडिया नाम है, गूगल का नाम है विकिपीडिया, अच्छा PDF दबाते हैं। तो देखिए P2 का यहाँ पे मतलब क्या है बाबू, P2 का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन कौन है बाबू, इंडियन है, अमेरिकन है, पाकिस्तान है, नेपाली है, ये सब क्या है। अब इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा एकदम अच्छे से। और देखिए A3 का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पे A3 का मतलब यह है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन कौन आते हैं, फ्यू, नो, मेनी, सम, सेवरल। अब देखिए एडवर्ब का ट्रिक क्या है, एडवर्ब का एयर्स, A7 I1 E-R-S, एयर्स माने होता है घमंड, तो आपका एक वर्ड मीनिंग भी मिल गया है वो याद करने का। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, और ट्रिक के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ऐसा कभी मतलब आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे या किसी बुक में भी ऐसा नहीं मिलेगा आसान ट्रिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटे छोटे बच्चे को दिखा सकते हैं कि कैसे मतलब एक आसान भाषा में पढ़ाया जाता है बच्चों को। मिल रहा हूँ एक अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, वेलकम।